टमाटो कमिला पियाज बढ़ला पियाज दर को नहीं बढ़ला चिंता बार दिन मध्य दस टंका बढ़ला पियाज दर पूर्व पियाज किलो प्रति 25 टंका रे बिक्री होता बेले वर्तमान दर पहुंची 35 टंका रे आउ जहाँ नहीं चिंता जाहिर करिसेंती ग्राहक और व्यवसायी सेपटे पियाज दर नियंत्रण पर केन्द्र सरकार आगुआ सतर्क होती पियाज रप्तानी 40% शुल्क लगे पियाज दर वृद्धि रोक लगे घर मार्केट में गच्छित परिमाण वृद्धि करने केन्द्र अर्थ मंत्रालय पक्ष विज्ञप्ति जारी कर पियाज उपर 40% रप्तानी शुल्क ए वर्ष डिसेम्बर 31 तारीख पर्यंत बलवत्तर रही विज्ञप्ति में कहुई किसीद तले एक रिपोर्ट प्रकाश पाई आसंतास पियाज दर अहेतुक भाव में वृद्धि पाई यापर केन्द्र सरकार यह सतर्कतामूलक पदक्षेप नहीं दर चाहिले नियंत्रण हो पार किंतु कथा हो जी गवर्नमेंट से आर्स्टिक रवर्नमेंट जदि से कंट्रोल करपर जदि स्ट्रिक्टली दे विल मूव इन द मार्केट दे विल सी द मार्केट प्राइस से माने निश्चिंत भाव एम जो मैंने आणुंट निश्चिंत से मोर प्रॉफिट रखुंट एम जदि प्रॉफिट रखिए बट मार्जिनल प्रॉफिट रखिए इट कैन बी मैनेज जदि मैंने न रखे मुनफाकर हुए पारना दस पंद्रह दिन तले पियाज रेटे 20-25 टाला बर्तमान 40 को वृद्धि पाई आगू भी बढ़ी पारे 40 टाँह होता बर्तमान कमी जा 35 टाँह आम बिकुचु ये हूँ कंचापरिया जिनस मार्केट आमदानी कम हेले रेट बढ़ आमदानी जब ठीक रहा से 30-32-35 किणा हे 35 टाँह आम लुज्रे बिकुचु ताने 30 टाँह बजार टमाटो किलो 160-180 टंका एमती है लोके टमाटो खाइबा बंद करदे किद व्यवधान पर आम देखिले धीरे धीरे टमाटो दर खसी आसलानी बर्तमान 40 टंका 50 टंकार टमाटो किलो मिलूची किंतु यार भितर बर्तमान आम देखुचे गोटे अभावन्य स्थिति पियाज को नहीं कारण प्रतिवर्ष आम देखे जितेबाला वर्षा ऋतु जाए वर्षा समय पियाज दाम आकस्मिक भाव में बढ़ी थाए चलित बर्ष सामान स्थिति पियाज दर बर्तमान 35 टंका 40 टंकार बिक्री है आग को कौन हो पाए स्थिति खास करके कटक छत्र बजार सबुठ बड़ मार्केट जहाँ कह जाए से क्यों जगार सब पियाज आसूची आगामी समय पर कौन सब आशंका देखुंट व्यवसायी हूँ जी मैंने पियाज कारबार करुंट दुबेन्दु मिश्र आम प्रतिनिधि कटक आम सहित जोड़ दुबेन्दु बिना पियाज में रोसे गोटे असंभव लगे गृहिणी को यार भितर पियाज दर जो 35-40 आसला चिंता तो बढ़ुची आग को 80-100 न हो जाऊ यही कथ मन को आसूची बर्तमान स्थिति कौन अच्छी खास करके छत्र बजार कटक विभिन्न बड़ बड़ बजार मानक देखो बिभु स्थिति कथा जब कह बर्तमान कहीं आम देखा गला सप्ताह भितर धीरे धीरे करजर दर वृद्धि घटुला अर्थात टंका 50 पैसा करके दर वृद्धि घटे 10 टंका पाखापाखि बढ़ी कहीं सप्ताह तले जो पियाजा खोला मार्केट अर्थात खुचुरा बजार 25 टंका बिक्री होता ताबे 35 टंकार पहुंची जाइए एवं खुचुरा मार्केट कि होलसेल मार्केट कथा कह होलसेल मार्केट में 25 टंका एवं रही दर आज दर रही 25 टंका पियाज कि गोटे दर वृद्धि क्रमगत भाव में दर वृद्धि पाइबार गोटे आशंका थी एवं जेहेतु आशंका यही बढ़ी जाता है सर्वाधिक उत्पादन होड़शा को आम आसुवा जो पियाज नासिक रु आसी थाएं जेहेतु नासिक रियाज बर्तमान शेष अवस्था एवं द्वितीय कथा रही आंध्र प्रदेश जो कर्नल रही भी जो पियाज आसी थाए ताहा वर्तमान सरवाई बसला उत्पादन जो नुआ फसल से उत्पादन बर्तमान पर्यटन होना बाधाप्राप्त होती वर्षा जो तेणु से फसल आसपाई आहरी मसे रू देढ़ मास समय लगे तेणु एभली स्थित गोटे पियाजर दर वृद्धि हम बोली आशंका करपरिक 70-100 टंका पर्यटन सेप्टेम्बर मस सुधा पहुंची जीवार गोटे आशंका करूँ केन्द्र सरकार जो रप्तानी शुल्क लागू करदे अर्थात 40% रप्तानी शुल्क लागू करने फल ये जो वर्तमान पियाजर दर ये क्षेत्र बर्तमान रोक लगी आज छत बजार जो दर रही 35 टंकार खसिक आसिक 30 टंका खुचरा बजार में पहुंचे और होलसेल 22 टंकार 25 टंका बर्तमान बिल्कुल ग्राहक तो आशा करेंगे 20-25 टंका पियाज रहू दर न बढ़ू और दुबेन्दु आपंती कहते कि कौन सब कारण हो पाए नासिक हो महाराष्ट्र विभिन्न जगार जो सब पियाज आसे से सब जगह बर्तमान पियाज आमदानी उत्पादन एते ना यार भितर आम देखे विभिन्न समय बेआईन होर्डिंग कलाबजारी कर गच्छित रखा पियाज एभली स्थिति आसे एभली स्थिति सृष्टि हेनी तो जदि एमती सृष्टि हुए कौन सब पदक्षेप निपे देखो व्यवसायिक संघों जो कह कथा रही कलाबजारी कहतु होर्डिंग कथ कहतु पियाज को अधिक दिन रखी हे ना
କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ପେରିସେବୁଲ ଆଇଟମ୍ ବା ପଚିଯିବ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଆସିଲେ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆସୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକି ଏଠି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପିଆଜ ଯେହେତୁ ଆଉ ମାସେ ବା ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଡ୍ରୋଲ ବା ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଆସେ ସେ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଯିବ ବା ସେଠି ଆମଦାନୀ ହେଇଯିବ ବା ଅମଳ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ସେ ଅମଳ ହୋଇଗଲା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପିଆଜ ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଲକୁଲ ଦୁବେନ୍ଦୁ ସ୍ଥିତି ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛିଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏବଂ ଭଲ ଖବର ବା ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଅମଳ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ହୁଏତ ଏଇ ସଙ୍କଟ ବା ଏଇ ଆଶଙ୍କା ଦୂର ହୋଇ ପୁଣି ପିଆଜ ଦାମ ଖସି ଯାଇପାରେ ବା ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ସେ 20 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା ଦରରେ ମିଳିପାରେ, ଏ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା କୁହାଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁବେନ୍ଦୁ।